अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी बहन नीलोफर बख्तियार साहिबा, सेक्रेटरी इस्मत, सेक्रेटरी बलोच, वाइस चांसलर मोहम्मद अली साहब, हमारी बहुत ही प्यारी स्टेट सेक्रेटरी जवेरिया, मोहतरम असातिज़ा, बहुत ही प्यारे तलबा और तालिबात, मेरे अपने कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब NCSW के साथ BISP ने ये फैसला किया कि हम एक तकरीब मुनक्कद करेंगे इन 15 दिन को मार्क करने के लिए, तो हमारा नेचुरल जो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल था वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी थी, और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने हमेशा की तरह हमारा खैर मकदम किया और हमें वेलकम किया। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमेशा बहुत हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में। मैं नीलोफर बहन की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी तरफ कोलैबोरेशन का हाथ बढ़ाया, और ये आज की जो तकरीब है इंशाल्लाह ये NCSW और एहसास के माबैन एक लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन का आगाज है। मैं इसको एक वन ऑफ इवेंट नहीं कहूँगी, हमारे लिए ये लॉन्ग स्टैंडिंग बड़ी मीनिंगफुल कोलैबोरेशन का आगाज़ है, क्योंकि जब तकरीबात होती हैं तो उसमें इंतज़ाम बहुत होते हैं, मगर जब सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ये अक्सर लोग अप्रिशिएट नहीं करते कि एक छोटी सी तकरीब में भी कितने ज़्यादा इंतज़ाम का मुलदखल होता है। तो मैं ख़ास तौर पर सेक्रेटरी इस्मत आ रहा है, आई एम श्योर कि उनके काउंटर पार्ट जिनको वो बिल्कुल जानती ही नहीं हैं वो जो हैं उनके एंड पे भी बहुत इंतज़ाम हुए होंगे, मगर मुझे ये मालूम है कि सेक्रेटरी इस्मत ताहिरा, हमारे डायरेक्टर जनरल तारिक महमूद साहब और उनके अमले ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आज की तकरीब को सक्सेसफुल बनाने की, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। I recall back in 2017, I was a candidate for Director General of the World Health Organization. I went and I was on a tour of 70 countries around the world. One of those countries was the Dominican Republic. And when I went to Santo Domingo, which is the capital of the Dominican Republic, to present my candidature to their foreign minister and to their health minister, I distinctly recall the imprint of the 25th of November on that nation. So I'm very glad that Niloufar, you referred to that incident. That incident is a very stark reminder that women continue to face violence at homes and in their workplace. If you look at statistics, at least 2/3 of the women, even in the most developed countries and even in the highest socioeconomic strata, have at some point in time during their lifetimes suffered from one or the other form of violence. That must end. That must end. There is no justification for that. Women are half the world's population. And if a country, if a society, if a nation, if an organization will not know how to tap the potential of women, it loses half its potential anyway. And it loses half its potential right at the very beginning. I'm sure you must have all heard about the Maslow's hierarchy of needs. In the Maslow's hierarchy of needs, which is like a pyramid, the basic thing that humans have is air, water, and shelter and protection. And I would say that protection from violence rests right at the beginning of the Maslow's hierarchy of needs. So I'm very glad, Niloufar, that you reiterated its importance and made all of us shout in unison that this is something that needs to end now. मैं आपको एहसास की हद तक बता सकती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हुकूमत-ए-पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत-ए-पाकिस्तान ने ख्वातीन की फलाह बहबूद के लिए बहुत से इकदाम लिए हैं। एहसास की हद तक मैं थोड़ी सी आप तफसील आपके सामने रखना चाहती हूँ। एहसास एज अ प्रोग्राम 27 मार्च 2019 को मारज वजूद में आया था। अगर इस ड्रोन को बंद कर दें जो शायद मेरी आवाज़ आप तक बेहतर चली जाए, यू डोंट माइंड।
तो 27 मार्च 2019 को जब एहसास मारिज वजूद में आया था, उसके बाद हमने कुछ पॉलिसीज बहुत जल्दी जल्दी उसके अमल दरामद की निगरानी करने के लिए कुछ पॉलिसीज हमने बहुत जल्दी कैप काबीना से प्रूव की थी। उसमें से एक एहसास गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी पॉलिसी थी, 27 नुकात की पॉलिसी, जो तमाम एहसास के ऑर्गेनाइजेशंस पर जिसका इतलाक होता था उस पर हमने तेज़ी से काम किया। और फिर उस पर गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी पॉलिसी पर की मॉनिटरिंग के लिए गवर्नेंस ऑब्जर्वेटरी बनाई। हर 3 महीने बाद ये जान पड़ताल होती है कि जो एहसास फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी पॉलिसीज पर किस तरह अमल दरामद कर रही है। तो पहले तो हमने ये इकदाम लिया और जिस पे आज तक हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमने फैसला किया वो ये किया कि एहसास की जो तमाम प्रोग्राम्स हैं उसमें एक 50% प्लस पॉलिसी का रूल होगा, जो आज आप हमारे लोगों पे भी देख रहे हैं। एहसास की इकोसिस्टम में जो भी प्रोग्राम्स हैं कम अज कम 50% प्लस जो फवायद हैं वो खवातीन के लिए हैं। और इस 50% प्लस के बैनर को हम बहुत जल्दी 50% 70% प्लस या 80% प्लस करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये चीज़ अब इम्प्लीमेंटेड है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि एहसास के फालत जो 12,000 रुपये ख़वातीन को मुस्तहिक ख़वातीन को घर घर चलाने का प्रोग्राम है, वो 100% पैसे ख़वातीन के हाथ में जाते हैं। और जैसे कि अभी वाइस चांसलर साहब ने बैंक अकाउंट्स के कलीदी किरदार पे तबसरा किया, अब हर ख़वातीन को इंशाल्लाह अगले 6 माह में उनके अपने बैंक अकाउंट्स भी होंगे। दूसरा जो हमने हमारे एक और प्रोग्राम है एहसास आमदन, जिसमें छोटे सतह के कारोबारी असासे मुस्तहिक घरानों को दिए जाते हैं, यानी कि माल मवेशी, दुकान का सामान, वेल्डिंग का सामान, उसमें 60% जो असासे होते हैं वो ख़वातीन के हाथ में जाते हैं। फिर हमारा है एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जिसकी अभी आपने वीडियो भी देखी। ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था 2 साल पहले और उस वक्त हमारा हदफ ये था कि 2 साल में हम 2 लाख स्कॉलरशिप देंगे, मगर ये प्रोग्राम 2 साल के बाद ही ओवर सब्सक्राइब्ड है। ये माशाल्लाह हमारा बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। 2 साल में हमने 142,000 स्कॉलरशिप्स दी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल हम इसका टारगेट अपवर्ड उसमें रिविजन करेंगे। उसमें हमारा एक स्ट्रिक्ट 50% रूल है कि 50% स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ख़वातीन को ही जानी हैं। और मोहम्मद अली साहब, वाइस चांसलर साहब हमारे स्टेयरिंग कमेटी में होते हैं और उनको ही विल बेयर मी आउट, उनको याद होगा कि हर स्टेयरिंग कमेटी में कुछ लोग यही सिफारिश करते हैं कि ये 50% को 30% कर दिया जाए, मगर इस चीज़ की बड़ी रिगरस ट्रैकिंग होती है। कई लोगों ने, कई यूनिवर्सिटीज से ये रिक्वेस्ट आई है कि इसको 30% कर दें, क्योंकि लड़कियां इतनी स्कॉलरशिप्स लेती नहीं हैं, मर्द हजरात बहुत होते हैं। तो ये मैट्रिक हमने रखा ही इसलिए कि ज़्यादा ख़वातीन आगे आएँ, वो जिनको कॉलेजेस से उठा लिया जाता है क्योंकि उनके माँ बाप के पास वो मीन्स नहीं होते कि उनको पढ़ा जाए, वो बच्चियाँ इसमें आगे आएँ। इसके अलावा हमारा बिलासुल कर्ज़े का प्रोग्राम है और वो भी बहुत एक बड़ा प्रोग्राम है, उसमें भी स्ट्रिक्टली 50% रूल है और इस वक्त कोई 42% पे वो जा रहा है, मगर वो हमारे लिए एक मॉनिटरिंग का एक यार्डस्टिक होता है। मैं बताना आपको ये चाहती हूँ कि ये तमाम चीज़ें लिप सर्विस नहीं हैं, इनके ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स हैं, क्योंकि हकूमती निज़ाम में अक्सर ये होता है कि बड़े अच्छा स्ट्रेटजी बन गई, बड़ा अच्छा पॉलिसी बन गई, कागज़ बड़ा अच्छा बन गया, सेरेमनी हो गई, सेरेमनी हो गई, मुझे कहा जा रहा है कि मैं सीधा देखूं, थैंक यू फरमान। सो अक्सर ये होता है कि पॉलिसी बन गई, स्ट्रेटजी बन गई, मगर उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं हुई, उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं हुई, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हमारे एहसास के निज़ाम में ये एक असूल है, ये रिवायत है, ये सिस्टम है, ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है कि चीज़ें ट्रैक होती हैं, उसकी डिलीवरी ट्रैक होती है, पूरा एक डिलीवरी यूनिट है। तो 100% किफालत में 60% एहसास आमदन में
50% एहसास बिलासूद कर्जे में, 50% एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में, और सबसे अहम ये कि हमारा जो जो बच्चों को जो यानी कि कच्ची जमात से लेके जो 12वीं जमात तक जो वज़ायफ हैं, तालीमी वज़ायफ हैं, सबसे अहम ये कि उसमें लड़कियों का वजीफा लड़कों से ज़्यादा होता है। हम दुनिया का वो वाहिद मुल्क हैं, एंड यू ऑल शुड बी वेरी प्राउड, हम दुनिया का वो वाहिद मुल्क हैं जहाँ पे लड़की की एजुकेशन इंसेंटिवाइज्ड है। 5वीं ग्रेड के बाद हम बच्ची को ग्रेजुएशन के लिए बोनस देते हैं। इस प्रोग्राम पे हमारे डायरेक्टर जनरल नवीद अकबर बैठे हैं। हमने पिछले साल में इनकी और इनकी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमने 2000 लोग हायर किए हैं, मेरिट पे हायर किए हैं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप किए हैं, मोटरसाइकिल्स की फ्लीट ली है, हार्डवेयर का फ्लीट ली है, सॉफ्टवेयर पे मैसिव काम किया है ताकि हम ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर, एजुकेशनल कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम को नेशन वाइड ले जाएं। और अब इंशाल्लाह इसकी एक कम्युनिकेशन कैंपेन, मैस कम्युनिकेशन कैंपेन शुरू होगी ताकि एन मैस पूरे मुल्क में लोग मोबिलाइज हों। मैं चाहूंगी कि एनसीएसडब्ल्यू हमारा उसमें पार्टनर बने, और दोनों सेक्रेटरी साहिबान जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, वो मिल बैठ के इसका कोई तरीका कार निकालें कि हम कैसे कर सकते हैं ये। दूसरा हमारा कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है हेल्थ एंड एजुकेशन का। पिछले 3 साल में हमने उसको पायलट किया और उसको 15 डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉय करके उसको अब इंशाल्लाह अगले साल तक वो नेशनली पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। और मैं अपनी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ इतनी क्विक डिप्लॉयमेंट पे। उसमें भी आपको ये सुन के खुशी होगी कि बच्ची का वजीफा लड़के से ज़्यादा होता है। मैं क्योंकि मेरा पेशावर से ताल्लुक है, जब मैं नई नई मेडिकल ऑफिसर थी तो वहाँ मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में मैं मेडिकल ऑफिसर थी, फिल्टर क्लिनिक में मैं बैठती थी, और वहाँ पे जो नए मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको फिल्टर क्लिनिक देखना होता है, तो वो रोज़ाना कोई 200-300 मरीज आपके हाथ से गुजरते हैं, फिर आप उनको स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं औरतों से पूछती थी, स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, आप पूछते हैं नाम क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो उनसे कुछ बच्चे कितने हैं, तो कहते जी 4 बच्चे हैं, और फिर इंस्टिंक्टिवली पूछना होता था लड़कियां कितनी हैं, और कहते जी 4 वो भी हैं, 8 बच्चे हैं, मगर वो लड़कियों का नाम कभी नहीं लेती पहले, वो यही कहती हैं कि जी मेरे 4 बच्चे हैं, विच मीन्स कि मेरे 4 लड़के हैं, द गर्ल्स डू नॉट काउंट। तो जब हम, मुझे याद है कि हम खैबर एजेंसी में रोल आउट करने, खैबर डिस्ट्रिक्ट में ये रोल आउट करने जा रहे थे, तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैं तो उसी एनवायरनमेंट में पली पड़ी हूँ कि आप सिग्नल कर रहे हैं कि लड़का इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़की इम्पोर्टेंट है, उसको आप सेंटर पे लाएं, उसके नाम पे आप स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन फूड लें, उसके नाम पे आप स्टाइपेंड लें। तो मैं ऑनेस्टली बहुत नर्वस थी। मैं एक हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर को ले जाने से पहले एक हफ्ता पहले गई और मैंने वहाँ माहौल देखा, और लोग बड़ी औरतें बड़ी प्राउडली बच्चियों को ला रही थी। तो ये दो जो हमने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये नेशन वाइड एजुकेशन कंडीशनल कैश ट्रांसफर, नेशन वाइड ये हेल्थ कैश ट्रांसफर यानी कि एहसास तालीमी वज़ाइफ और एहसास नशोनुमा, ये पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट के और गर्ल सेंट्रिक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। इनका इम्पैक्ट शायद आप 5 साल या 10 साल बाद देखें, हम लोग हुकूमत में नहीं होंगे, जो भी होगा, बट इनमें इन्वेस्टमेंट इज एब्सोल्युटली क्रूशल, और लड़कियों का इसमें इंसेंटिवाइज होना, मुझे बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा नहीं लगता, बट आई हैव टू से विद ग्रेट ह्यूमिलिटी विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द कंट्री अगर इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो बात मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रही थी कि एहसास के दायरे कार में हमारे लिए ख्वातीन सिर्फ नहीं, बच्चियां बहुत अहम हैं, क्योंकि अक्सर पिछले बहुत मुल्कों में कई सालों से मैं यही सुनती हूँ जी, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन इकोनॉमिक इंक्लूजन, विमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, बच्चियां जो हैं वो रेडार पे नहीं होती। बच्चियों को बिल्कुल, मैं क्योंकि हम, मैं और मेरे साथी मेरे कॉलीग्स, हम फील्ड में बहुत जाते हैं,
छोटी छोटी बच्चियां पांचवी जमात में उनकी मंगनियां हुई हुई उनको गेटिंग फोर्स्ड इनटू मैरिज दिस हैज टू स्टॉप बच्चियों को भी उतना ही पढ़ने का हक है जितना लड़कों को पढ़ने का हक है तो हमारे बस में जो भी है हम अपनी पॉलिसी दायराकार में कर रहे हैं और मेरे लिए आज का ये जो तकरीब है मेरे लिए इसलिए अहम है कि NCSW को हम अपने पार्टनरशिप फोल्ड में लेना चाहते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा हुकूमती इदारों के साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे हाथ मजबूत होंगे हुकूमत के स्टेट के हाथ मजबूत होंगे उन कामों काम करने के लिए जो जिनके करने की सख्त ज़रूरत है तो आई होप फरमान आई हैव केप्ट लुकिंग क्योंकि आई नो आपकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कैमरे में देखना है मगर मैं आप इन द एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू वंस अगेन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी हैज बीन एन एक्सेम्प्लरी पार्टनर वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू टू डीपन दिस पार्टनरशिप एंड आई एम सो ग्लैड दैट इन NCSW वी हैव फाउंड अ ग्रेट फ्रेंड एंड अ पोटेंशियल कोलैबोरेटर थैंक यू मच थैंक यू वेरी मच फॉर